वेलकम बैक फ्रेंड्स, शर्मा डिजिटल पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप CSC से पैन कार्ड कैसे बनाएंगे मात्र 5 मिनट में आधार KYC से। तो आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले अपने CSC के डैशबोर्ड में आएंगे और यहां पर सर्च करेंगे पैन और पैन कार्ड KYC सर्विसेज पर क्लिक कर देंगे। अब आप UTI के होम पेज पर आ जाएंगे, यहां से क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। अब आप CSC से UTI में लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ से नया पैन कार्ड बनाने के लिए आप अप्लाई न्यू पैन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन जो कि है एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन 49A पे क्लिक करेंगे। अब आप फॉर्म 49A पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से आप फिजिकल या डिजिटल मोड सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसा कि हम KYC के थ्रू बना रहे हैं तो हम डिजिटल मोड पे क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल सेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है वेदर यू आर फ्रॉम डिफेंस और NRI कैटेगरी को नो कर देंगे। उसके बाद पैन कार्ड मोड में बोथ फिजिकल एंड ई पैन पे क्लिक कर देंगे और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे एप्लीकेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, जैसे सबसे पहले एप्लीकेंट का लास्ट नेम, फिर एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम, देन अगर कोई मिडल नेम है तो टाइप करेंगे, नहीं तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब अगर एप्लीकेंट किसी और नाम से जाना जाता है तो नोन बाय अदर नेम वाला ऑप्शन यस रखेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अब एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और बाकी कॉलम ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। अब पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे एप्लीकेंट का आधार नंबर एंटर करेंगे और नीचे एप्लीकेंट का आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नेम टाइप कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। अब आप इस पेज को ऐसे ही रहने देंगे और नीचे से मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। अब आप CSC पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे CSC कनेक्ट का पासवर्ड एंटर करेंगे और वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे अपना वॉलेट पिन एंटर करेंगे और पे रुपीज़ 99.70 पैसे पे क्लिक कर देंगे। पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब आप यहां से एप्लीकेंट की कंट्री सेलेक्ट करेंगे और एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर और ईमेल ID एंटर कर देंगे। अब यहां पे पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। अब अगर एप्लीकेंट की मदर सिंगल पेरेंट है तो इस ऑप्शन को यस करेंगे, नहीं तो नो करके फादर का लास्ट नेम, मिडल नेम और फर्स्ट नेम एंटर कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। अब ओके पे क्लिक करेंगे। अब एप्लीकेंट के आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होगा, उस OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। अब एप्लीकेंट का एड्रेस आधार के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब सोर्स ऑफ इनकम में नो इनकम पे टिक करेंगे और ओके पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ओके पे क्लिक करते ही AO कोड ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब आप कैपेसिटी में अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्लेस में अपने सेंटर का नाम टाइप कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब आप UPI की ईसाइन वाली सर्विस पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे एप्लीकेंट का आधार नंबर एंटर करके आधार OTP पे क्लिक करेंगे और गेट OTP पे क्लिक कर देंगे। अब एप्लीकेंट के आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होगा, उस OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपको पैन की रिसिप्ट मिल जाएगी। अब आप इसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने कस्टमर को दे सकते हैं। यहाँ से आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करने के लिए प्रिंट पे क्लिक करेंगे और अपने प्रिंटर से इसका एक प्रिंट आउट निकालेंगे। तो इस तरीके से आप भी CSC से पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।